हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन लेक्चर्स एंड आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में। थ्योरी ऑफ सप्लाई हमारा जो चैप्टर है, ये हमें समझने में हेल्प करेगा कि एक प्रोड्यूसर के सप्लाई का बिहेवियर कैसे होता है, क्या मतलब होता है सप्लाई का, एंड कैसे अलग 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 प्राइस लेवल पे सप्लाई काम करती है। बेसिकली जैसे हमारा डिमांड काम कर रहा था, सेम टू सेम वैसे काम करेगा। डिमांड सप्लाई, ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली फोर्सेस है। डिमांड में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर अपनी मांग कैसे करेगा अलग अलग प्राइस लेवल पे। हमने बाकी प्राइजेस हाई होंगे तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, प्राइजेस लो होंगे तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा। लेकिन सप्लायर की सोच क्या होगी, जो प्रोड्यूसर है वो अपना सामान कैसे बेचना चाहेगा, जब उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस मिलेगा तो वो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, अगर प्राइजेस हाई होंगे तो। एंड अगर प्राइजेस लो होंगे, मार्केट उसे कम पे करेगी, तो सप्लायर क्वांटिटी भी कम ही बेचने में इंटरेस्टेड होगा। यानी कि सप्लाई और प्राइस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। जबकि जब हमने प्राइस और डिमांड की बात की थी, तब हमें एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिला था। प्राइस के घटने पर डिमांड, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घट रही थी, प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ रही थी। नाउ जैसे हमने डिमांड के साथ क्वांटिटी डिमांड का मतलब समझा था, वैसे ही सप्लाई के साथ क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब समझेंगे। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई समझेंगे। डिमांड स्केड्यूल देखा था, सप्लाई स्केड्यूल देखेंगे। डिमांड कर्व देखा था, सप्लाई कर्व देखेंगे। इलास्टिसिटी समझी थी, मूवमेंट एंड शिफ्ट समझा था डिमांड का, सेम उसी तरीके से सप्लाई पड़ेगी। क्योंकि हम डिमांड बहुत अच्छे से दो तीन लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, इसलिए सप्लाई का आज ये वन शॉट लेक्चर ही होने वाला है। क्योंकि अब हमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पता है जो डिमांड एंड सप्लाई में कॉमन ही रहने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स है जिनका मतलब समझेंगे। सप्लाई हमने समझा किसे कहा जाएगा, जो प्रोड्यूसर विलिंग है मार्केट में भेजने के। नाउ मान लेते हैं कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, आपको सप्लाई यहां पे आइडेंटिफाई करना है। मैं क्या हूं, एक प्रोड्यूसर हूं जिसने 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। अब ये मेरी क्या हो गई, सप्लाई है ना, नहीं। मान लो मैंने 100 गुड्स बना लिए हैं, मार्केट में मेरी गुड के का प्राइस चल रहा है ₹10, एंड मैं ₹10 में सिर्फ 10 ही क्वांटिटीज बेचने को इंटरेस्टेड हूं। 4 दिनों बाद प्राइस 20 हो जाता है, तब मैं क्वांटिटी बढ़ा के 20 बेचने को तैयार हो जाती हूं। फिर 4 दिनों बाद प्राइस 100 हो जाता है, तब मैं क्वांटिटी बढ़ा के 50 बेचने को तैयार हो जाती हूं। यहां पर क्या नोटिस कर रहे हो, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी हमारा जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो अब बताओ सप्लाई किसको कहोगे, इस 100 को कहोगे, इस 10 को कहोगे, 20 को कहोगे, 30 को कहोगे, किसको कहोगे? आप कहोगे इसको तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो सामान हमने प्रोड्यूस किया है लेकिन अभी सप्लाई नहीं किया। सप्लाई कहेंगे 10 को, 20 को, 50 को, गलत। इसे भी सप्लाई नहीं कहेंगे, इन्हें नाम दिया जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। क्या मतलब है इस बात का, जब हम किसी अलग अलग प्राइजेस पे देख रहे हैं कितनी 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 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, तब हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल देखते हैं कि अलग अलग प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएंगी, उस टोटल फैक्टर को हम नाम देते हैं सप्लाई। यानी सप्लाई को कैसे डिफाइन करोगे, कि सप्लाई इज व्हेन एट ऑल्टरनेटिव प्राइजेस ऑल्टरनेट क्वांटिटीज आर सप्लाइड। अलग अलग प्राइजेस पे जो अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, उसको जब हम देखते हैं तब हम सप्लाई की बात करते हैं। एक प्राइस पे इतनी, दूसरे प्राइस पे इतनी, तीसरे प्राइस पे टोटल क्या हो जाती है, सप्लाई। इंडिविजुअली जब हम देख रहे हैं 100 पे कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है, 100 पे कितनी सप्लाई नहीं है, 100 पे कितनी क्वांटिटी
सप्लाइड है। और जो हम बात करें जो प्रोड्यूसर ने बना लिया, जो उसके पास पड़ा हुआ है, उसको नाम दिया जाता है ये प्रोड्यूसर का स्टॉक है। अभी रखा हुआ है उसने, स्टॉक मेंटेन किया। जब स्टॉक मार्केट में जाता है ना, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है, सप्लाई वहां पर क्रिएट हो रही है। क्या क्या शब्द हमने पढ़े? सप्लाई का मतलब समझा, स्टॉक का मतलब समझा, एंड क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब समझा। इतनी बात हमें समझ है। तो अगर मैं आपको कहूं कि सप्लाई का स्केड्यूल बना के दिखाओ, यानी कि टेबल बनाना है, टेबल कैसे बन जाएगा? प्राइस 10, 20, 30, 40। क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये क्या बन गया आपका? सप्लाई स्केड्यूल, जिसमें आपने क्या रखा है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइसेस। क्या रिलेशन है क्वांटिटी और सप्लाई, सब क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में? एक डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस अप जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी अप जाती दिख रही है। सो सिंपल एज दैट। आया ना? अगर ये एक ही सप्लायर की आप बात करो तो इंडिविजुअल सप्लायर हो जाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक और क्वांटिटी सप्लाइड ऐड कर दूं, 50, 100, 150, 200, फिर इसको टोटल कर दूं 100 प्लस 50, एक ये प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, एक ये प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, टोटल कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है? 150, 300, 450 एंड 500। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सो सिंपल एज दैट। इसी चीज को जब ग्राफिकली पुट कर दोगे, कुछ भी नहीं है अब तो इसमें, ये तो आपको बात बिल्कुल ही समझ आ गई। यहां पर आपके प्राइस आ जाएंगे, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10 पे कितनी क्वांटिटी है? 100। 20 पे कितनी है? 200। 30 पे कितनी है? 300। 40 पे कितनी है? 400। 50 पे कितनी है? ये आपका क्या बन गया? सप्लाई कर्व बन गया। सो सिंपल एज दैट। मार्केट में क्या होता? दोनों सप्लाई कर्व जो हमने यहां पर स्केड्यूल्स देखे, आप क्या करते? इसका भी सप्लाई कर्व बना लेते, इसका भी सप्लाई कर्व बना लेते, फिर दोनों को जोड़ के जो मार्केट की वैल्यूज आई है उसको बनाते, उसका नाम क्या हो जाता? मार्केट सप्लाई कर्व। एज सिंपल एज दैट। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? किसको बात समझ में आ गई कि है तो इसमें कुछ भी नहीं? ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। अगर बात करें स्लोप कैसे निकलेगा, जब हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ऐसा हमारा कर्व बनता है। आया ना? हमने हमेशा क्या समझा है, किसी भी कर्व की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, स्लोप निकालना चाहते हो, तो आपको एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में देखना पड़ेगा कि कितना चेंज आए एक्स एक्सिस में, कितना चेंज आए वाई एक्सिस में। देखें, एक सेकेंड, इसे हम चेंज कर ले। यहां पर हमारा ये चेंज आया एक्स एक्सिस में एंड ये चेंज आया वाई एक्सिस में। जब आप इन दोनों को पता कर लोगे, इनका रेशियो निकाल लोगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि इस चीज की वैल्यू कितनी है। इसी को क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। कैसे फाइंड आउट होगा? यहां पर हमारे पास क्या प्राइस है, यानी कि आपको रेशियो किसका निकालना है? चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। किसको बात समझ में आएगी? समझ आ जाएगा कि एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा सप्लाई करने के लिए प्राइस में कितना चेंज आना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसको आप क्या बोल दोगे? स्लोप ऑफ सप्लाई कर। हाँ या ना? ये चीज हम फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 40 है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट होगा, कितना चेंज आया प्राइस में 10 यूनिट्स का, 10 यहां पर कितना चेंज आया क्वांटिटी में 20 का, यानी कि हमें क्या पता चल गया, ये चीज हमें पता लगी। इसको और ब्रेक डाउन कर लो, 0.5 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा आप तब सप्लाई करोगे जब आपका 0.5 प्राइस इंक्रीज होगा।
ये चीज आपको बता देगा कि क्या स्लोप है हमारे सप्लाई कर्व का। अभी तक चीजें सिंपल चल रही हैं, नोट्स बन रहे हैं साथ साथ में, देन हम लोग आ जाते हैं टॉपिक ऑफ सप्लाई फंक्शन पे। जैसे डिमांड फंक्शन होता था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगे। इम्पैक्ट करेगा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस हाई मिलेगा हमारी कमोडिटी के लिए तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम मिलेगा तो कम सप्लाई करेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है, वो भी जैसे डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा था वैसे सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, कितने लोग हैं जो आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो मार्केट में एक हायर सप्लाई होगा, अगर कम नंबर ऑफ फर्म्स होंगी तो जो सप्लाई है वो कम होगा। एज सिंपल एज दैट, गोल ऑफ द फर्म, एम क्या है कि आप सेल ज्यादा करना चाहते हो या प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो। अगर आप सेल ज्यादा करना चाहते हो तो आप कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे, क्योंकि लोग तो सस्ते में ही खरीदेंगे ना ज्यादा। अगर आपका मूड क्या है, मन क्या है कि हम ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, तो प्राइसेस कम पे आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपका मूड है कि हम तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं, तो आप हायर प्राइसेस का वेट करोगे एंड हायर प्राइसेस पर ही क्वांटिटी सप्लाई करोगे। ये सारे फैक्टर्स हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर जो चीजें आपको लग रही है प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि लैंड लग रहा है, लेबर लग रही है, एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, अगर तो देखो सस्ता मिल रहा है फिर तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज्यादा सप्लाई कर पाओगे। अगर ये महंगा मिल रहा है फिर आपको क्या, कम प्रोडक्शन कर पाओगे, कम सप्लाई कर पाओगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर बहुत बढ़िया, बहुत एडवांस है, ज्यादा सप्लाई बनेगा। अगर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है फिर कम सप्लाई बनेगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में यार मेरा गुड बहुत महंगा बिकने वाला है, फिर आप अभी होल्ड करके रख लोगे, उसको जमा करके रख लोगे स्टॉक में, यार अभी नहीं बेचता हूँ, महंगा होगा ना फ्यूचर में तब बेचूंगा। अगर आपको पता है कि फ्यूचर के जो प्राइजेस हैं वो क्या है, ज्यादा हाई नहीं जाने वाले, गिरने वाले, तो आप सोचोगे अभी सारी क्वांटिटी क्या कर दूं, सप्लाई कर दूं। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आपको लगेंगी फेवरेबल है तो ज्यादा सप्लाई होगा, कम फेवरेबल होंगी, टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा होंगे तो आप सप्लाई कम करोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा। देन हम लोग आ जाते हैं टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या समझा के जाएगा आपको, जो चीज आप अभी तक समझ आए हो, क्या लॉ ऑफ सप्लाई आपको सिंपल सी बात बताएगा कि प्राइस ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड सप्लाई, या फिर हम लिखेंगे यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लें, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि बाकी जो इतने सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़ के हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, उनको मान के चलो कांस्टेंट, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्राइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्राइस हमेशा क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा सप्लाई वैसे वैसे बढ़ेगी, प्राइस जैसे जैसे गिरेगा क्वांटिटी सप्लाइड वैसे वैसे कम होगी। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ इतनी सी बात ही बताता है। उसका स्केड्यूल आप कैसे बना लोगे, जैसे बनाकर आयो P10, 20, 30, क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300, ग्राफिकल ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या होंगी, अजम्पशन क्या होती है कि जो चीज आप मानकर चल रहे हो अपने लॉ को प्रूव करने के लिए, वो ये है कि जो भी आप ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़कर आए हो वो सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड प्राइस कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट, सब कुछ आप मान के चलोगे कि अभी कांस्टेंट है, उनके बदलाव का कोई भी अफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ किसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड पे। अगर बात करें एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शन शब्द हमें दिखाता है कि कहां कहां लॉ फेल हो जाता है, कहां कहां लॉ अप्लाई नहीं हो पाता, यानी कि
प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच जो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए वो डायरेक्ट रिलेशन ना हो कि क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है, इन वर्स रिलेशन। यानी कि अगर प्राइजेस राइज किए तो क्वांटिटी सप्लाइड जरूरी नहीं है कि राइज करे, हो सकता है क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ही रहे, कम हो जाए, उससे इम्पैक्ट वहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स समझते हो, पेरिशेबल गुड्स जैसे कि जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, दूध है 4 दिन, ब्रेड है 5-6 दिन चलता है, आया ना उस पर डेट लिखा होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पेरिशेबल गुड्स हैं, अगर उनके प्राइजेस कम हो भी गए, मान लेते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइजेस कम हुए तो सप्लाई कम होनी चाहिए, हाँ है ना, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स ने बना के रख लिए हैं ब्रेड दूध बना के रख लिए, मान लो कि प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए, वो लोग फिर भी क्या करेंगे, सप्लाई को रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उनका माल तो खराब हो जाएगा ना अगर वो वेट करें। यार अभी ना 1 महीने बाद प्राइजेस क्या होंगे, प्राइजेस में राइज आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, तब तक तो सारा ब्रेड दूध बटर सब एक्सपायर ही हो जाएगा। तो जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सेप्शन हो जाएंगी, वहां पे प्राइस के राइज से या प्राइस के डाउन आने से कुछ खास इम्पैक्ट हम नहीं देख पाएंगे सप्लायर्स की सप्लाई में, शॉर्ट रन में अगर हम बात करें, एक नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम में, छोटे पीरियड ऑफ टाइम में बात करें। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स आप भी सोच सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि प्राइजेस के बढ़ने घटने से सप्लाई पे कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। सोचो एग्जांपल दो, आप जो जूते पहनते हो, जो लिमिटेड एडिशन जूते होते हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं, उन इतने महंगे जूते कंपनी को फायदा होना चाहिए ना, इतने ज्यादा हाई प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं करते, सोचो। इसका रीजन आपको पता लगे तो कमेंट डाउन भी करो, लेक्चर्स में हमने इस पर काफी बार बात की है कि क्यों होता है ऐसा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शिफ्ट समझो, आपका जो सप्लाई कर्व है इसमें शिफ्ट या मूवमेंट कैसे आ सकता है। देखो शिफ्ट हम किसे बात करते हैं, मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट होता है ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई कर्व है, हाँ या ना, शिफ्ट होता है जब ये अपनी जगह से क्या कर जाए, मूव कर जाए, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। मूवमेंट किसे कहते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाए, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ जाए, सी से डी पे आ जाए, डी से ई पे चला जाए। इसे बोला जाता है कि अलोंग द लाइन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसे कहा जाता है जब आगे या पीछे चला जाता है कि शिफ्ट ही आ गया है। ये किस वजह से होता है, अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी मांगी जाती है, सप्लाई की जाती है, सॉरी मांगी डिमांड नहीं सप्लाई, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। तो अगर प्राइजेस इंक्रीज हुए से 10, 20, 30 तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि मान लो डी से सी पे जब मूवमेंट आए तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, प्राइस राइज होने की वजह से हमारे डिमांड में सप्लाई में एक्सटेंशन आया, क्या आया है, एक्सटेंशन आया है, सप्लाई क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, सप्लाई नहीं कहूंगी क्वांटिटी सप्लाइड यहां पर क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है प्राइस में राइज आने की वजह से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप नोट करोगे, यहां पर आप क्या नोट कर रहे हो कि आपका प्राइस समझ लो यहां पे 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है। जब आप ए ग्राफ से बी पे मूव कर रहे हो तो प्राइस उतना ही है, सेम प्राइस पर ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी मांग रहे हैं, आया ना, प्राइस उतना ही है, 10 का 10 ही है, लेकिन कम क्वांटिटी मांग रहे हैं, हाँ है ना। यानी कि जब प्राइस में चेंज नहीं आता, किसी और डिटरमिनेंट में चेंज आता है, इतने सारे डिटरमिनेंट्स पड़े थे ना, उनमें से किसी में चेंज आने की वजह से जब हमारा सप्लाई कर्व इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करता है तब हम उसे बोलते हैं कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया है। अगर शिफ्ट फॉरवर्ड होगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, शिफ्ट बैकवर्ड होगा तो सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। As simple as that, हाया ना, movement and shift आपको समझ आ गया, हाया ना। आगे बढ़ते हुए क्या समझेंगे,
कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो याद करो, डिमांड में हमने इलास्टिसिटी का मतलब समझा, मतलब नहीं चेंज होता शब्दों का। इलास्टिसिटी कितना इलास्टिक है कोई चीज, जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो यानी कि कुछ एक्शन लगा रहे हो एंड बराबर रिएक्शन मिल रहा है आपको, तो हम कहेंगे कि इसका इलास्टिक अच्छा है, ये रबर बैंड इलास्टिक है। लेकिन आप रबर बैंड को खींच रहे हो एंड वो वापस नहीं आ रहा, रबर बैंड टहन पहन के लूज हो चुका है एक महीने में, खींच रहे हो वापस नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, इसका इलास्टिक खराब हो चुका है, ये इनइलास्टिक है। तो जब हम किसी भी चीज के एक्शन पे उसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। यानी कि इलास्टिसिटी आपको सिर्फ बताएगी कि कितना रिस्पॉन्स आएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखते हैं कि अगर प्राइस 10% बदला है तो उसके बदले में क्वांटिटी सप्लाइड कितना परसेंट अपने में चेंज लेकर आते हैं। लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बनाए ये भी लिख ले, फिगर आउट करें अपन लोग। चलो यहीं पर करते हैं इसे, यहां पे करूंगी मैं आप लोगों के लिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये जो ट्रायंगल है ये डेल्टा का साइन है, ये हमें चेंज दिखाता है, ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही करने को बोला गया। हाँ या ना, अब परसेंटेज कैसे निकलती है, जो जिस भी चीज की हमें परसेंटेज फाइंड करनी है वो ऊपर आ जाता है। यहां पे चेंज का परसेंटेज फाइंड करना, तो चेंज कैसे निकलेगा, क्यूएस नए वाला कितना है माइनस क्यूएस पुराने वाला कितना था, इस चीज का परसेंटेज निकालना अपॉन टोटल रख दूंगी, जो भी मेरे पास फर्स्ट क्यूएस की वैल्यू उसी के कंपैरिजन में परसेंटेज निकल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट हमारा ये वाली चीज का परसेंटेज आ गया। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, P1 - P0 अपॉन P इंटू फिर से 100, ये हमारा आ गया। अब इस चीज को, ये जो चेंज है, इसको मैं साइन दे सकती हूं डेल्टा का, डेल्टा Q अपॉन Q लिख दू, कोई दिक्कत नहीं, 100 100 कट जाएगा आपस में, हाँ या ना, अपॉन डेल्टा P अपॉन P लिख दू, कोई दिक्कत, क्या आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन टी, ये चीज बन गई। अब इस कंप्लीट को उठा के न्यूमरेटर में ले आऊं, डिवीजन में ऊपर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्या मतलब, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, ये चीज रेसिप्रोकल हो गई मल्टीप्लीकेशन का साइन लगने की वजह से। अब देखो यही चीज हम बनाना चाहते थे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी पी अपॉन क्यू। तो बेसिकली एक मिनट आप इसे देख लो, हमने क्या किया है यहां पर, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सिंपल हमने परसेंटेज निकालने से शुरू किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप बना, आया ना, फिर हम इधर पहुंच गए, यानी कि इधर पहुंच गए, फिर बस हमने इसको उठा के ऊपर ले आए, ऐसे लिख दिया रेसिप्रोकल करके हम अपने ये जो डेरिवेशन है, या इसमें आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो, ये बना कैसे है, इससे ही इसको बनाया गया है इस तरीके से। ये चीज हमें समझ में आई, इलास्टिसिटी कैसे निकालने का, परसेंटेज चेंज ओवर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस, हाँ या ना, रेशियो है बेसिकली परसेंटेज चेंज का। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या सिचुएशंस बनती है, इलास्टिसिटी क्या क्या हो सकती है, इलास्टिसिटी का रेंज होगा परफेक्टली इन इलास्टिक से लेके परफेक्टली इलास्टिक तक, बीच में लाया करेगा यूनिटरी इलास्टिक, इधर लाया करेगा इन इलास्टिक एंड इधर लाया करेगा इलास्टिक। बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, 5 सिचुएशंस है हमारे पास, हो क्या रहा है, यहां से शुरू करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि कितना भी एक्शन लगा लो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, यानी कि प्राइस में
कितना भी चेंज आता रहे लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये चीज क्या हो गई, जीरो हो गई, हाँ है ना, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, जीरो है, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक का सिचुएशन है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो है। रीजन क्या है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड का जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है, यहां पर जीरो है। कितना भी प्राइस में चेंज ले आओ, एक्शन लगा लो, रिएक्शन आएगा इच्छी नहीं। अगर बात करें इन इलास्टिक की, तो कह रहे हैं कि यार जब तुम एक्शन लगाओगे ना, रिएक्शन आएगा पर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा रबड़ हिल जाएगा। यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, एक्शन आपने बहुत लगाया वो ज्यादा होगा, लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो कंपैरेटिवली काफी कम होगा। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी है, इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन वन होगी। क्योंकि देखो न्यूमरेटर जो है वो क्या है, इस चीज की वैल्यू छोटी है ना, यानी कि इस चीज की वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी, 2/10 मान लेते हैं, तो जब इसका आंसर निकालोगे 0. कुछ 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 में बनेगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, दो 10 हिस्सों में बट रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी हमेशा वन से कम आएगी जब हम इन इलास्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जितना एक्शन आया उतना ही रिएक्शन, सेम टू सेम, नो फर्क। यानी कि हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो बराबर होगा किसके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के। 10% प्राइस चेंज कर रहा है, 10% क्वांटिटी सप्लाइड चेंज करेगी, इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि अगर जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर होगा तो हमेशा क्या होगा, 1 आ जाएगा। इलास्टिक में क्या होता है, थोड़ा भी एक्शन देते हो बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो तो कम है, एक्शन तो कम है, लेकिन रिएक्शन क्या है, ज्यादा है। यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, छोटी है। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। हाँ या ना, परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन कौन सा होता है, जहां पे आप एक्शन तो लगा नहीं रहे हो फिर भी रिएक्शन आए जा रहा है। यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, जीरो है, फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड अपने आप बदले जा रही है। यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो हो गई, न्यूमरेटर की कुछ ना कुछ वैल्यू है। हाँ या ना, जब भी डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो हमारा इनफिनिटी के इक्वल हो जाता है इक्वेशन। यानी कि यहां पर इलास्टिसिटी क्या है, इनफिनिटी है। देख लो कि इस तरीके से जब भी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट खुद ब खुद भी पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में जो नोट्स बनाते हो, कॉपी पे जो नोट्स बनाते हो वो ऐसे होने चाहिए। अगर हमने अपने नोट्स बनाए परफेक्टली इलास्टिक, फिर उसका डेफिनेशन लिख रहे हो, फिर उसका ग्राफ बना रहे हो, उससे बेटर है चीजों को ऐसे बनाओ, आपको चीजें प्रिंट हो जाएंगी दिमाग में कि चीजें किस तरीके से काम कर रही है। अगर इसके ग्राफ्स देखें, हाँ या ना, कैसे बन जाएगा, देखो आप अपना दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे आप अभी ये बनाए इसके साथ साथ ही बनाते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस बदले जाएगा। यानी कि यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड होती है, यहां पर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स ही है, प्राइस बदल रहा है 1, 2, 3, यानी कि ऐसा बन जाएगा। जब आप इस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करने लगे, आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं, भी अगर आप याद थोड़ी किए, मेरे को थोड़ी आता था कैसे बनेगा, मैंने सिंपल क्या सोचा कि प्राइस ने बदलना, इसने नहीं बदलना, इसको फिक्स कर दिया, प्राइस बदल दिया, ऐसी लाइन बन गई। हाँ है ना, किस केस में, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो है यहां पर। अगर इलास्टिसिटी क्या हो, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो, यानी कि हम बोल रहे हैं कि प्राइजेस में चेंज जो आ रहा है वो क्या है, ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से कि प्राइजेस, लाइक जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऐसा बनेगा। यानी कि हम यहां पर क्या नोटिस करेंगे कि प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में उतना चेंज देखने नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि यूनिटरी कैसे बनेगा, वो सीधा बनेगा, जितना इधर चेंज उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, सेम चेंज आएगा यहां पर,
ओरिजिन से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक कैसा बनेगा, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज ज्यादा है, ऐसा बन जाएगा ग्राफ। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ जाएगा। अगर हम बात करें लास्ट ग्राफ की तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है 1, 2, 3, 4, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, फिक्स है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये आपके पास क्या हो गए, 5 सिचुएशंस हो गई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक, उसके बाद इलास्टिक सिचुएशन, उसके बाद इन इलास्टिक सिचुएशन, उसके बाद एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे इलास्टिसिटी जीरो है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है एंड ये परफेक्टली इलास्टिक है। आया ना? यही गोल मिला के हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई का। होपफुली ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हो। कल के लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या ट्रिक क्वेश्चंस हैं, सब कुछ देखेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।